आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था सर्कल प्लाजो को कैसे काटना है। आज मैं बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से सर्कल प्लाजो को कैसे जोड़ना है। ये सर्कल प्लाजो है, आसन के पहले हम सिलाई लगाएंगे। एक एक सिलाई मैंने लगा रखी है, अब मैं आपको सेकंड सिलाई लगाना बताऊंगी। ऐसे हम आसन को जोड़ेंगे, आसन को सेल लगाएंगे, ऐसे सिलाई लगाएंगे, ऐसे सिलाई लगाकर हम आसन के साथ आसन को बनाएंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा लास्केट के लिए जोड़ेंगे। ये जो जोड़ है आसन का, यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। प्लाजो का कपड़ा सीधा है और सीधे कपड़े के ऊपर हम ये पट्टी को जोड़ेंगे। ये पट्टी मैंने पहले से नाप के हिसाब से काट रखी है। इस पट्टी को मैंने 4.5 इंच काटा है। ये पट्टी हमारी कम हो गई है, इसको हम जोड़ डालेंगे। साढ़े 6 इंच हम जोड़ डालेंगे पट्टी में। ऐसे ये मैंने कपड़ा जोड़ काट लिया है, इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे। यहाँ से मैं बताऊंगी कैसे सेट करना है। ये पट्टी को इस पट्टी से मिलाकर ऐसे सिलाई लगाएंगे और मशीन को पैर को उठाकर ये जो हमारी पट्टी है इसको भी हम जोड़ डाल देंगे। ऐसे सिलाई के बाद प्लास्टर डालने के लिए ये सर्कल प्लाजो हमारा तैयार हो गया है। ऐसे हमारी सर्कल प्लाजो की प्लास्टर के लिए ये जोड़ डाल के बेल्ट का कपड़ा तैयार कर लिया है। फिर हम आगे चाहे तो इसको हम पीको करा सकते हैं, अगर चाहे तो इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। उसके बाद आसन को आसन के साथ जोड़कर ये सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई को दूसरी सिलाई के ऊपर रखकर इसी हिसाब से दूसरी ओर सिलाई लगाएंगे।
ऐसे हम डबल सिलाई कर लेंगे। आसन से पकड़कर ऐसे बिछाएंगे प्लाजो को। जो थोड़ा बहुत कपड़ा ऊंचा है या कम है, इसको ऐसे निशान लगा के मार्के के हिसाब से ऐसे कटाई कर लेंगे। इसको हम पीको कराएंगे। हमारा घेरा है, घेरे को हम पीको कराएंगे। पीको के बाद ये घेरा रेडी है। और ये हो गया लास्केट, इसमें हम लास्केट डालेंगे। ये हमारा सर्कल प्लाजो तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए शेयर करना और लाइक करना। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना।